विश्व शांति की अलख जगाने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन स्थित जय गुरुदेव आश्रम से ऑनलाइन सत्संग देते हुए प्रेमियों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रेमियों, आप गुरु के भक्त हो, उनके बताए रास्ते पर चलते हो, इसलिए आपका ये फर्ज है कि आप लोगों की जान बचाओ, उन्हें सतपथ पर चलाओ और सतयुग दिखाओ, अच्छे लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार करो। कहने का मतलब यह है कि लोगों की जान बचानी है, लोगों को सत पथ पर चलाना है, लोगों को सतयुग दिखाना है। तो कहा गया, नाच खेल कर लोक रिझाई, जैसे भी उनको मना लो, जैसे भी अच्छे लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लो। लोग जो बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं, कभी भी आग लग जाए, ध्वस्त हो जाए, उससे उनको हटा दो, वो गड्ढे से उनको निकाल लो, नीची जगह से निकाल लो, जहाँ बाढ़ आने वाला है, जिसमें बहकर जाने वाले हैं, उससे उनको बचा लो। प्रेमियों, आपका ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप एक महापुरुष से जुड़े हुए हो, आप महापुरुष के बताए रास्ते पर चलते हो, उनके पद चिन्हों पर आप चलते हो, गुरु महाराज जैसे गुरु के साथ जुड़े हुए हो, जिन्होंने अपना सारा जीवन परमार्थ में लगा दिया। हमेशा गुरु महाराज जीवों की चिंता करते रहे, फिक्र करते रहे, जब से होश संभाले परमार्थ की कमाई में ही लग गए, और जब ज्ञान हो गया, परमात्मा की दया हो गई, अंतर में उनको शक्ति मिल गई, तो अन्य समझो कि उसको अपने पास नहीं रखे, बांटे, जितना ज्यादा ज्यादा अन्य समझ लो कि शरीर उनका काम किया, पूरा उन्होंने बांटा। जैसा मैंने कहा कि ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए, जिसके अंदर जो भी ज्ञान है उस तरह का ज्ञान देना चाहिए। कोई बहुत पढ़े लिखे हो, अफसर हो, कोई अच्छे पोस्ट पर हो, आप तो दोनों को ज्ञान दे सकते हो, दोनों को समझा सकते हो, जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं, आपके ऊपर कितनी बड़ी दया है गुरु महाराज की कि आपके अंदर दोनों गुण हैं। आप ये समझो कि जो अनपढ़ हैं बेचारे, गांव में रहने वाले हैं, जिनको आने समय लोग की जानकारी ज्यादा नहीं है, उनमें तो केवल एक ही गुण है, सत्संगी वो भी हैं, नामदानी वो भी हैं, भजन ध्यान वो भी करते हैं और आप भी करते हो। सत्संगी में अंतर नहीं है, शरीर कि यानी बनावट भी उसी तरह, हाथ पैर आँख कान उसी तरह से है, खाते भी उसी तरह से हो, टट्टी पेशाब भी उसी तरह से होता है दोनों का, लेकिन ज्ञान अलग अलग है। बुद्धि आपकी प्रखर हो गई पढ़ाई लिखाई करने से, मेहनत करने से, संग अच्छा मिलने से, अच्छा स्कूल मिलने से, तो आपके अंदर यानी समझो कि अलग गुण आ गए, ज्ञान आ गया, तो उसका उपयोग करो लोगों के लिए, जीवों के लिए, अच्छा समय सतयुग लोगों को दिखाने के लिए इसका उपयोग करो। तब तो ये मानव जीवन सार्थक होगा, तभी तो अन्य समझो कि शरीर को लोग मानेंगे, समझेंगे, जाने के बाद आपका नाम याद रखेंगे, तभी तो स्टेचू बना लोगों का कि जो उन्होंने लोगों के लिए किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया, तभी तो मूर्तियां बनी, तभी तो मंदिर बन रहे हैं, पूजा तभी तो हो रही है। तो आप हमेशा सोचते रहो कि भाई उनकी पूजा हो रही है, हमारे ही जैसे इंसान थे, हमारे ही जैसे आदमी थे, तो हमारी क्या नहीं हो सकती, हमको लोग क्या नहीं जान सकते हैं, हमारा नाम क्या स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता है, क्या इतिहास में नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जा सकता है, आपकी पूजा भी हो सकती है। आपको तो ऐसा रास्ता गुरु महाराज ने दे दिया कि चार पदार्थ का तल तक है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, सब आपके हाथ में है, सब आपके मुट्ठी में है, आपके ऊपर अब अन्य समझ लो कि ये चीज आ गई। कहते हैं गेंद किसके पाले में है, बाप के पाले में है, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। तो ये तो मेरी अर्जी रही, आप
मर्जी आपकी रहेगी, लेकिन मैं तो इसीलिए बताता समझाता रहता हूँ कि इतने लोग सुने हो, कुछ ही लोग अगर मानने लग जाओ, कुछ ही लोगों के समझ में आ जाए, कुछ ही लोग करने लग जाओ तो मेहनत सार्थक हो जाएगी। गुरु महाराज ने जो ये काम सौंपा है उस काम में मदद हो जाएगी और उस काम के बढ़ने में यानी समझो तरक्की हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।